आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है। आज हमारे देश को आजाद हुए 77 साल हो गए हैं। तो चलिए आज इस दिन को और खास बनाते हैं और कुछ स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहले ग्राइंडर जार में थोड़ा लहसुन, हरी मिर्च, कुछ काजू, एक छोटा अदरक का टुकड़ा, टमाटर, जीरा, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और ताजा धनिया डाल लीजिए। और अब इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना लीजिए। कोशिश कीजिएगा पानी का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि हमें इसकी गाढ़ी चटनी बनानी है। देखिए मैंने जो चटनी बनाई है कितनी गाढ़ी है, उल्टा करने पे भी गिर नहीं रही है। अब एक बोल में बॉईल किए हुए गाजर की प्यूरी ले लीजिए और इसमें थोड़ा सा क्रीम चीज मिला लीजिए, थोड़ा बारीक कटा हुआ लहसुन डाल लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल लीजिए। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। इस रंग को गहरा करने के लिए आप फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करके चुकंदर का इस्तेमाल किया है। अब एक बोल में थोड़ा वेज मेयोनीज ले लीजिए, बारीक कटा हुआ प्याज डालना है, बारीक कटा हुआ खीरा लेना है पर उसका बीज निकाल लीजिएगा, बारीक कटी पत्ता गोभी लेनी है जिसे मैंने ब्लांच कर लिया है, मतलब 5 मिनट के लिए बॉईल कर लीजिए, थोड़ा ऑरिगेनो डाल लीजिए, काली मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन, थोड़ा क्रीम चीज और स्वाद अनुसार नमक। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लीजिए हमारी दूसरी फिलिंग भी तैयार हो गई। अगर आप स्टफिंग में कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब कुछ ब्रेड स्लाइसेस लेनी है। ब्रेड की एक साइड पर हम रूम टेम्परेचर गार्लिक बटर लगा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है इसे हम लैमिनेशन प्रोसेस भी कहते हैं। ऐसा करने से जब हम सैंडविच पर कोई चटनी लगाते हैं या कोई भी फिलिंग करते हैं तो ब्रेड जल्दी से सौगी नहीं होती है क्योंकि बटर की लेयर लगाने से ब्रेड मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती है। अब जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया है उसी तरह से हम सैंडविच को असेंबल करेंगे और हर लेयर के बाद में हमें फिर से बटर लगाना है। मैंने ये रेसिपी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे ये ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए थी और कुछ ऐसा बनाना था जो जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। ब्रेकफास्ट में चाय या कॉफी के साथ में सैंडविचेस बहुत ही अच्छे लगते हैं। बातें करते करते हमारा सैंडविच तैयार हो गया। अब इसे बीच में से कट कर लीजिए और इसे एंजॉय कीजिए। सैंडविच नो डाउट बहुत ही टेस्टी है। इस रेसिपी की सबसे बढ़िया बात यह है कि ये रेसिपी काफी वर्सेटाइल है, यानी कि आप स्टफिंग अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जल्दी बन जाता है और सैंडविचेस बहुत ही हेल्दी है। अब आज के इस खास दिन को और खास बनाइए और पूरे परिवार के साथ इन सैंडविचेस को एंजॉय कीजिए।